Hi everybody. It's my pleasure to be virtually amongst you all on this very great, exciting occasion. I'm sorry I'm not being able to be there physically today, but my best wishes are with all the teams, all the students, all the staff of MAC Lucknow and MAC Kanpur who have, I know, sweated and given all their best effort for not only creating some of the best animation, visual effects and gaming work, but also had fun while doing it. I had the occasion of visiting some centers of MAC in Lucknow in this month, and I was thrilled to see the quality of the work. I interacted with a lot of students, I interacted with the staff, and the excitement and the commitment that I saw amongst everybody there was really heartening. लेकिन मैं आप लोग से दो चार चीजें अपनी तरफ से भी कहना चाहूंगा. आज का जो माहौल है वो कॉम्पिटिटिव तो है ही, उसके अलावा एक अपॉर्चुनिटीज आपके सामने बहुत है और हर स्टूडेंट को ये देखना है कि उसका क्या पाथ उसने चूज करना है. जो एक जमाना था कि आप सिर्फ एक ही धरने में, चाहे जॉब हो तो आप सिर्फ जॉब करोगे, ऐसी कोई रियलिटी आज नहीं है. आज आप व्हाइल यू आर स्टडिंग यू कैन अर्न, आफ्टर यू आर स्टडीड यू कैन, इफ यू आर नॉट वांटिंग टू डू अ जॉब यू हैव सो मेनी मेथड्स टू अर्न मनी बाय यूजिंग योर स्किल्स, बट द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज लर्निंग एंड लर्निंग वेल. नाउ आई विल कम अ लिटिल बिट ऑन टू सीओसी इटसेल्फ. सीओसी का मकसद क्या है? एक तो आप कह सकते हैं मकसद है, ठीक है, कॉम्पिटिशन है, बच्चे आपस में तरह तरह की क्रिएशन बनाते हैं और एक दूसरे से कम्पीट करते हैं, वो एक जगह ठीक है, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव उससे कहीं बड़ा है. हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आपको कैसे अपने आने वाले भविष्य के लिए प्रिपेयर करें. वी आर नॉट ओनली प्रिपेयरिंग यू फॉर योर फर्स्ट जॉब, वी आर ट्राइंग टू प्रिपेयर यू फॉर द नेक्स्ट 30 ईयर्स ऑफ योर वर्किंग लाइफ. एंड हाउ डू वी डू दैट? आज कुछ लोगों ने एज ग्रुप्स बनाए होंगे, एज ग्रुप प्रोजेक्ट बनाए होंगे आज के कॉम्पिटिशन के लिए. तो उन्होंने जब ग्रुप का प्रोजेक्ट बनाया तो उन्होंने एनिमेशन स्किल्स या विजुअल इफेक्ट स्किल्स तो लागू करी ही, बट उसके अलावा उन्होंने एक और चीज सीखी कि कैसे टीम में काम करना पड़ता है. कुछ और लोग होंगे जिन्होंने इंडिविजुअल स्किल सेट कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया होगा, उन्होंने अपने अपने हिसाब से बेस्ट वर्क अपने सामने रखा है, बट आज उनके पास पूरा टाइम नहीं था. तो एक तरीके से जो सीमित समय उनको दिया गया ये काम करने के लिए, उसी सीमित समय में उन्होंने ये प्रोडक्ट बनाया. उसे जो प्रोजेक्ट बनाया वो तो अच्छी बात है, बट उसके अलावा उन्होंने सीखा कैसे अंडर डेडलाइन, हाउ डू वी वर्क अंडर गिवन कॉन्स्ट्रेंट्स, एंड ये सीख जो है ये आपको लाइफ भर काम आती रहेगी. तो जो आज जब आप पार्टिसिपेट कर रहे हो इस इवेंट में, ये मत सोचना कि मैंने ये ट्रॉफी हासिल करी या नहीं हासिल करी. अगर हासिल करी तो बहुत ही अच्छा, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज हु विल विन टुडे, बट अगर नहीं भी हासिल करी तो जो आपने सीखा है वो आपसे कोई नहीं छीन रहा है और वो ही चीज आपको अल्टीमेटली अपने करियर में, अपनी लाइफ में काम आने वाली है. ये ट्रॉफी आज जो आज लोग जीतेंगे, आज खुश होंगे, कल भूल जाएंगे, बट जो सीखेंगे वो हमेशा लाइफ में यूज होगी. और मैं यही आपको बताना चाह रहा हूं कि एवरीबडी इज अ विनर, हूएवर इज पार्टिसिपेटिंग टुडे, हूएवर इज नॉट इवन पार्टिसिपेटेड बट ही इज जस्ट प्रेजेंट हियर वॉचिंग, इवन दे आर गेनर्स बिकॉज दे हैव सीन द एक्साइटमेंट एंड द आउटपुट दैट दीज स्टूडेंट्स हैव पुट इन. माई बेस्ट विशेज आर विद द स्टूडेंट्स, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दोज हु विल विन टुडे, एंड माई हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टाफ मेंबर्स एंड पर्टिकुलरली टू रमन जी for putting up this grand show today, and wish you all the best. Thank you.